हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा एंड वेलकम टू लर्नर्स स्क्वाड। आप सबका स्वागत है लर्नर्स स्क्वाड पर। एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि NTA नेट के लिए आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस आएंगी, सो आई एम प्रोवाइडिंग यू दैट। सबसे पहले यहाँ पर एक हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, जहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको आगे अभी तक पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं। ओके, तो हम टाइम ना गंवाते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड है जो कि 450 से 1066 तक है। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में प्रोवाइड की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बिकॉज ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में आप वहां से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड, दैट इज़ फ्रॉम 166 टू 1485। यहाँ पर हमारा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, जहाँ पर विलियम द कन्क्वेरर ने हराया था इन्वेडर्स को। इसके बारे में भी वीडियो बनी हुई है, आप इसको देख लीजिए। वहाँ से आपको बेसिकली बियोवुल्फ, जो कि एक वहाँ की इम्पॉर्टेंट नॉवेल है, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगी। वैसे बियोवुल्फ आपको ओल्ड इंग्लिश पीरियड में मिलेगा बिकॉज मैंने वहाँ पर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अर्ली मॉडर्न पीरियड का। मोस्टली अर्ली मॉडर्न पीरियड को 1485 से प्रेजेंट डे तक माना जाता है, बिकॉज अर्ली मॉडर्न पीरियड में ही आपका रेनेसा, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक रिवाइवल, विक्टोरियन एज, एडवर्डियन एज, जॉर्जियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सारी अर्ली मॉडर्न पीरियड में मानी जाती हैं। अर्ली मॉडर्न पीरियड में जो रेनेसा हुआ था उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको भी पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं रेनेसा के। रेनेसा का जो टाइमिंग था वो 1453 से 1660 था। ओके, और इस टाइम में यहाँ पर कई सारे एजेस में ये डिवाइडेड था। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वाज एलिजाबेथन एज या फिर एलिजाबेथन इरा, जहाँ पर विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। आई मीन नॉट इन द एलिजाबेथन एरा, बट एलिजाबेथन एरा के टाइमिंग पर ही विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था। उनकी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एलिजाबेथन एज में हैं। एलिजाबेथन एज की जो टाइमिंग है वो है 1558 टू 1603, यानी 1558 से 1603 तक। उसके बाद आता है जस्ट हमारा जैकोबियन एज, जिसकी टाइमिंग 1603 टू 1605, यानी 1603 से 1605 के बीच में है। फिर हमारा आता है कैरोलिन पीरियड, इसका जो टाइमिंग है वो है 1625 टू 1649। अब आप सोचेंगे कि इसके बीच में जैकोबियन एज और कैरोलिन पीरियड के बीच में गैप क्यों है, बिकॉज़ यहाँ पर रिफॉर्मेशन भी हुआ था, दैट्स वाई कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिनकी वजह से लिटरेचर उस टाइम पे बहुत कम लिखे गए, या जो लिखे भी गए वो अननोन ही रह गए। सो कैरोलिन पीरियड का जो टाइमिंग है वो 1625 से 1649 तक का है। फिर आता है हमारा कॉमनवेल्थ पीरियड या फिर ऑलिवर क्रॉमवेल रूल्ड। ऑलिवर क्रॉमवेल ने जब रूल किया था 1649 से 1660 तक, बेसिकली इसी टाइम में जो कॉमनवेल्थ पीरियड है, यहाँ पर जॉन मिल्टन थे जिनको कि लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसा भी कहा गया है। ओके, जो हमारा कैरोलिन पीरियड है उस वहाँ पर हमारे पोएट, सबसे फेमस मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन का बॉर्न हुआ था। कैवेलियर मोस्टली एक हॉर्स था कैवेलियर, और कैवेलियर कहा जाता है बेन जॉनसन को, बिकॉज इन्होंने हॉर्स, इन्हें एक हॉर्स राइडिंग पोएट भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ और किसके बारे में, किस एज के बारे में पढ़ना है, जिससे आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आप चीज़ों को जान जाएं कि आपको पढ़ना क्या है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपको कैसे क्या, कहाँ से क्या तैयारी करनी है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा 18th सेंचुरी न्यू क्लासिकल एज, ऑगस्टन एज, सॉरी यहाँ पर ए नहीं होगा, ऑगस्टन की स्पेलिंग AUGUSTAN होगा। ये हमारा 1770 से 1744 1742 1744 है। यहीं पर हमारे अलेक्जेंडर पोप जो हैं उनका बॉर्न हुआ था, वर्जिल जिन्होंने एनीड लिखा है, एपिक कहा जाता है लैटिन लिटरेचर का, उनका वो भी थे, सैमुअल जॉनसन, जहाँ पर एज ऑफ जॉनसन आता है दैट वाज फ्रॉम 1744 टू 1798, 1744 से 1798 के बीच में एज ऑफ जॉनसन है, जिसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा गया है। ओके, फिर हमारा आता है रोमांटिसिज्म, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के थ्रू, लिरिकल बैलेट के थ्रू, जो उन्होंने कंबाइन किया था एस टी कॉलरिज के साथ 1798 टू 1832।
ठीक है, यहाँ पर रोमांटिसिज्म भी आया था, वहाँ पर एसटी कॉलरेज हैं, लिरिकल बैलेड लिखा था, चार्ल्स लैम थे, फ्रांसिस बैकन थे जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। तो ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं हमारे रोमांटिक पीरियड में। फिर यहाँ पर आता है हमारा विक्टोरियन पीरियड, दैट वॉज फ्रॉम 1832 टू 1901। विक्टोरियन पीरियड को कहा जाता है कि भाई जो ये एज था यहाँ पर नई नई चीज़ें फ्लरिश हुई थी, रोमांटिसिज्म में जो लव ऑफ नेचर था वही चीज़ यहाँ पर बदल करके लव ऑफ वेल्थ हो गया था, यानी लोग जो धन संपदा है उसको ज़्यादा लव करते थे। इट वॉज़ फ्रॉम 1832 टू 1901। और फिर आता है हमारा मॉडर्न पीरियड, सॉरी इट वॉज़ नॉट 22th century, दिस इज़ 20th century। इट केम अक्रॉस द वर्ल्ड, इसके पहले तक जो पोइट्री थी वो मोस्टली ब्रिटिशर्स तक ही सीमित थी, या जो बाहर के भी लोग थे वो इंग्लैंड चले जाते थे, ब्रिटिशर्स के वहीं पर रहते थे, उन्होंने वहाँ पर अपनी पोइट्री लिखी थी। बट मॉडर्न पीरियड में पोइट्री जो है वो सारे ऑल ओवर द कंट्रीज में फ्लरिश हुई थी, बिकॉज यहाँ से फिर शुरू होते हैं आपके अमेरिकन लिटरेचर एज वेल एज इंडियन लिटरेचर ऑल्सो। तो ये हमारा मॉडर्न पीरियड है। इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकें। ओके फ्रेंड्स, ये थी मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज दिया गया है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपको वन बाय वन सारी जानकारी दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।